नमस्कार, मैं आयुष सिंह और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। एनटीवी के लोकप्रिय शो भाभी जी घर पर हैं के एक्टर दीपेश भान अब हमारे बीच नहीं रहे। शुक्रवार को क्रिकेट खेलते हुए दीपेश भान गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनका निधन हो गया। दीपेश के निधन की खबर की पुष्टि शो के असिस्टेंट डायरेक्टर अभिनीत ने की है। इस सीरियल में मलखान का किरदार निभाकर घर घर में पसंद किए जाने वाले एक्टर दीपेश भान किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। इस सीरियल के बदौलत उन्हें ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली थी। शो में मलखान के साथी टीका का रोल करने वाले एक्टर वैभव माथुर ने भी इस खबर को कन्फर्म किया है। वैभव का कहना है कि हाँ, अब वो नहीं रहे। इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। टीवी अदाकारा कविता कौशिक ने भी दीपेश के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। कविता कौशिक ने लिखा कि कल 41 साल की उम्र में दीपेश भान के गुजर जाने से सदमे और दुख में हूँ। FIR में सह कलाकार के रूप में वह फिट आदमी थे, जिसने कभी भी शराब नहीं पी, धूम्रपान नहीं किया। एक्टर दीपेश भान बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें इस सीरियल ने ही फेमस किया। साल 2012 में आई फिल्म फालतू उटपटांग चटपटी कहानी में भी दीपेश नजर आए थे और कॉमेडी का किंग कॉन, कॉमेडी क्लब, भूतवाला, FIR समेत बिंदास टीवी के चैंप और सुन यार चिलमार जैसे शो में भी रोल कर चुके थे। खास बात यह है कि एक्टर आमिर खान के साथ T20 वर्ल्ड कप के एड में भी दीपेश नजर आए थे, लेकिन जितनी लोकप्रियता उन्हें भाभी जी घर पर है सीरियल से मिली, किसी दूसरे काम ने नहीं दी।